नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा जो मैटर आता है वो रीयूज्ड कंटेंट का इस समय आ रहा है। जो भी मोनेटाइजेशन के लिए चैनल्स भेजे गए उनके रीयूज्ड कंटेंट की वजह से उनका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ। आपने बड़ी मेहनत करी, आपने सब कुछ किया, आपने सब्सक्राइबर गेन किए, 1 ईयर 1000 वाला क्राइटेरिया पूरा किया, वॉच टाइम पूरा किया, लेकिन सारी मेहनत के बाद सीन ये हो गया कि आपका जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए आपने भेजा वो रीयूज्ड कंटेंट में फेल कर दिया गया। तो पहले तो आपको समझना होगा रीयूज्ड कंटेंट कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको हटाना है वहाँ पे। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि रीयूज्ड कंटेंट होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि जो वीडियोस पहले से वो उस प्लेटफॉर्म पे हैं, पहले से हैं और सेम तुम डाल दिए, तो दोनों की जो वीडियो लेंथ है सारी चीज़ें एक जैसी होंगी, सेम होंगी। उसके टाइटल अगर एक हैं, डिस्क्रिप्शन एक है, तो वो रीयूज्ड में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको करना ये होगा कि अगर वहाँ पे रीयूज्ड कंटेंट ना आए उसके लिए आपको एडिटिंग करनी होगी। वहाँ पे चाहे रिएक्शन आपको करना होगा, या तो वहाँ पे आप रिएक्शन दो, आप छोटी क्लिप करो, छोटा छोटा क्लिप में करो उसको, ऐसा करो कि बीच में कुछ ना कुछ आपकी मेहनत उसमें लगी हो। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म ये देखता है कि अगर आपने किसी दूसरे का भी डाला तो उसमें आपने अपना क्या चीज़ डाला, आपकी क्या चीज़ें उसमें दिखी हुई हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ आपने करी जिसकी वजह से, मतलब आपने डाला, दूसरे का आपने डाउनलोड करा कहीं से भी उठाया और डाल दिया, ठीक है, उसमें तुम्हारी तो कोई मेहनत लगी नहीं, तो तुम्हें उसके पैसे तो मिलने वाले नहीं है। तो इसके लिए आपको ये करना होगा, उसमें कुछ ऐसे फेरबदल, ऐसे बदलाव करो जिससे कि अगली कंपनी को, अगले प्लेटफॉर्म पर ये लगे कि हाँ, इस बंदे ने इस पर मेहनत करी हुई है। वो चाहे एडिटिंग में करी हुई हो, कुछ भी करी हो, आपने वॉइस ओवर दिया हो उस पर, या कोई भी चीज़ कोई उसमें, अगर आप किसी का वीडियो, किसी का फोटो, किसी की क्लिप्स, किसी के म्यूज़िक कुछ भी यूज़ करते हो रीयूज्ड कंटेंट में, तो बाद में जाके मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा और आप फालतू में आपकी मेहनत बेकार जाएगी, कोई पैसे नहीं मिलने वाली, फिर से आपको वो सारे वीडियोस हटाने पड़ेंगे आपके उस पे से, और उसके बाद ही आप फिर से दोबारा एक महीने में अप्लाई कर सकते हो रीयूज्ड कंटेंट के लिए। इसके लिए अगर आप किसी दूसरे का वीडियो डाल रहे हो तो उस वीडियो को एक तो मत डालो, पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको डिलीट करोगे, आपका वॉच टाइम भी जाएगा, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, उसको ना ही डालो तो ठीक होगा। और अगर डाल रहे हो तो ये चीज़ों को जानो कि उसमें कुछ एडिटिंग ऐसी करो, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से उसमें जोड़ो, चाहे वो फनी बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसको आपको चेंज करने होंगे, बदलाव करने ही होंगे, जिसकी वजह से अगले जो चेक करने वाले लोग होते हैं, जो कंपनी का वो होता है, वो चेक करने पे ऐसा ना लगे कि ये किसी और वीडियो से सेम है, ना किसी ने ऐसा वीडियो डाला उसी की तरह सेम वो कंटेंट आपका सेम एकदम मैच कर रहा है। तो मैच नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअली बंदे बैठ के तो नहीं देखते हैं, वो ऐसा सेटिंग होती है कि वहाँ पे चेक किया जाता है, तो वो अगर उसमें से कुछ मैच होता रहता है तो वो ऑटोमेटिकली हटा देते हैं। लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड बार में अगर फिर से रीयूज्ड कंटेंट आपका आता है, आप भेजते हो, तो वहाँ पे इंडिविजुअली बंदों का वो चेक करते हैं, पूरी चैनल को चेक करते हैं रिव्यू करने के बाद, और बड़ी बारीकी से चेक करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे कोई पैसे नहीं देता है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप दूसरों का चोरी करके कंटेंट डाल रहे हो, सोच रहे हो पैसे कमाएंगे, तो जब तक उसकी नज़र में नहीं तब तक कमा सकते हो। जैसे वो नज़र में आएंगे तैसे तुम्हारा पूरा चैनल हो सकता है डिसेबल हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगी, रीयूज्ड में चला जाएगा, तो खत्म हो जाएगा सब।